সব কটা জানালা খুলে দাও না, আমি গাইব গাইব বিজয়ের গান। ওরা আসবে চুপি চুপি, যারা দেশটাকে ভালোবেসে দিয়ে গেছে প্রাণ। সব কটা জানালা খুলে দাও না, চোখ থেকে মুছে ফেলো শ্রুটুকু, এমন খুশির দিনে কাঁদতে নেই হারানো স্মৃতির বেদনাতে। সব কটা জানালা খুলে দাও না, আমাদের সভার মূল কাজে ঢুকে যাব। আমাদের এখানে আজকের এই সভা পরিচালনা করবেন আমাদের পার্টির সভাপতি নটবর বাগদি। আমি একে একে আমাদের অতিথিদের মঞ্চে ডেকে নেব। প্রথমেই আমি ডেকে নেব অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আপনি একটু মঞ্চে আসবেন। অধ্যাপক যোগেন্দ্র যাদব, অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত, আমাদের পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং আমাদের পার্টির প্রাক্তন সভাপতি সুভাষ বসু, আমাদের পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সমীর পুততুণ্ড, ডেকে নেব আমাদের পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী রুকসানা চৌধুরী, আমরা বিভিন্ন বাম দল এবং গণতান্ত্রিক দলকে আমন্ত্রণ করেছিলাম। এখানে অনেকে উপস্থিত হয়েছেন, অনেকে হয়তো আরও পরে আসবেন। ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন সুজন চক্রবর্তী, বিধানসভার বাম বিরোধী দলের নেতা, হাফিজ আলম সৈরানি, প্রবোধ সিনহা, বাসুদেব গাঙ্গুলি, অভিক সাহা, ইন্দ্র ঘোষ দস্তিদার, প্রবীর দেব। এছাড়াও এখানে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট মানুষ হিসেবে অধ্যাপক ওম প্রকাশ মিশ্র। আমরা এবারে আলোচনা চক্রে চলে যাচ্ছি। এই নতুন তৈরি হওয়া নাগরিকত্ব আইন এবং ধর্মীয় বিভাজন, এই বিষয়ের উপরে আমাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই উপস্থিত আছেন, আপনারা জানেন। এখন তিনি বলবেন, ওর সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে দু একটি কথা আমি বলছি। উনি স্বনামেই যথেষ্ট পরিচিত। উনি আমাদের দিল্লিতে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি সেখানকার ফেলো, তাছাড়াও সিফোলজিস্ট হিসেবে সবাই ওকে আমরা চিনি। এবারে বলবেন শ্রী যোগেন্দ্র যাদব। নমস্কার। আজকে ভাষা দিবস, আর আমি চাইলাম আমি বাংলায় কথা বলতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমি ভালো করে বলতে পারবো না। আমি বাংলা বুঝতে পারি কিন্তু বাংলা ভালো করে বলতে পারবো না। আর মে সমজতা হুঁ ভাষা দিবস মে ইয়ে ভি হোনা চাহিয়ে, কিসি এক ভাষা কা দিবস নাহি হ্যায়। বঙ্গাল মে হিন্দি বোলি যায় আর দিল্লি মে বঙ্গালি বোলি যায় তো শায়দ বহুত সুন্দর ভাষা দিবস হোগা। মেরে লিয়ে এক বিশেষ দিন হ্যায় ইসলিয়ে কি ইয়ে ভাষা দিবস হ্যায়। বিশেষ দিন ইসলিয়ে ভি হ্যায় कि कॉमरेड सैफुद्दीन चौधरी ने जो परंपरा यहाँ आरंभ की थी, समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, वो परंपरा इस देश में बहुत पुरानी परंपरा है। और एक मायने में मैं अपने आप को उसी परंपरा से जुड़ा हुआ पाता हूँ। वो परंपरा है 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जब बनी थी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण,
राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहर अली, ये सब मार्क्सिस्ट होते थे, लोगों को आजकल ध्यान नहीं रहता, ये सब बोल्शेविक मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने बाद में लोकतांत्रिक समाजवाद की परंपरा को अपनाया। उसी लोकतांत्रिक समाजवाद की परंपरा को आगे करते हुए आज हमें सोचना है, आप सबको सोचना है कि 21वीं सदी में उस लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या स्वरूप होगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है जिसके बारे में हमें सोचना है। मुझे विश्वास है कि आप सब मिलके इसके बारे में सोचेंगे। सोचेंगे इसलिए भी कि आज जो चुनौती इस देश के सामने है वो चुनौती केवल समाजवादी व्यवस्था को लाने की चुनौती नहीं है। आज एक न्यूनतम अर्थ में इस देश में लोकतंत्र को बचाने की चुनौती है, गणतंत्र को बचाने की चुनौती है। मैं कहता हूँ व्हाट वी आर विटनेसिंग टुडे इज़ ए डिसमेंटलिंग ऑफ आवर रिपब्लिक। डे बाय डे, ब्रिक बाय ब्रिक आवर रिपब्लिक इज़ बीइंग डिसमेंटल्ड एंड द चैलेंज इज़ टू रिक्लेम द रिपब्लिक। इसलिए वो तमाम ताकतें जो अपने आप को समाजवादी लोकतंत्र की ताकतें कहती हैं, वो सब ताकतें मिलके आज इस देश के गणतंत्र को कैसे बचाएंगी, इस सवाल पर हम सबको आज सोचना ही पड़ेगा। लेकिन आज जो विषय मुझे दिया गया है वो विषय है जो सिटीजनशिप एक्ट आया है उसके बारे में। मेरे लिए आज का दिन इस लिहाज से भी विशेष है कि मेरे अध्यापक यहाँ मौजूद हैं, औपचारिक तौर पर शायद नहीं, लेकिन प्रोफेसर पार्थो चटर्जी, प्रोफेसर शोभनलाल दत्तगुप्त, इन सबको मैं जब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होता था, आपको पढ़ता था, तो मैंने एक तरह से अपनी पॉलिटिकल साइंस आप लोगों से सीखी है। तो आप सब लोग यहाँ हैं इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा लंबी बड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज जो देश में सिटीजनशिप एक्ट लाया गया है उसके बारे में कुछ बात कहना चाहता हूँ। जब भी सिटीजनशिप एक्ट के पक्ष में बात होती है, लोग बड़े प्यार से टीवी पे बोलते हैं, देखिए तो कितनी अच्छी चीज़ है, इस देश में सभी लोगों को, पड़ोस के देशों में जिन धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है उनको भारत में शरण देने के लिए ये कानून बनाया गया है, बताइए इसमें क्या बुरी बात है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ये चारों शब्द इस कानून में कहीं नहीं हैं। पड़ोस शब्द का जिक्र नहीं है, कानून की टेक्स्ट में कहीं जिक्र नहीं है। धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द इस कानून में नहीं है। धार्मिक प्रताड़ना का जिक्र इस कानून में नहीं है और शरण देना शब्द इस कानून में नहीं है। ये चारों बातें जिनका जिक्र है ये कानून की प्रस्तावना में लिख दिया है, कानून के किसी भी क्लॉज में नहीं है। हिंदी में बोलते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हाथी के जो बड़े बड़े दांत होते हैं उससे वो खाना नहीं खाता, वो दुनिया पब्लिक को दिखाने के लिए सुंदर दांत है। इसी तरह से ये CAA की बात दिखाने की और खाने की कुछ और। वास्तव में ये देश में सिटीजनशिप के नाम पर जो कानून आ रहा है वो इस देश के बुनियादी स्थापनाओं के विरुद्ध है। मैं 5 बात आपको गिना देना चाहता हूं ये कानून क्यों भेदभावपूर्ण है। हमें इससे ऐतराज नहीं है कि पड़ोसी देश के किसी प्रताड़ित व्यक्ति को आप भारत में लाइए। पाकिस्तान में हिंदुओं सिखों के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, आप उनको शरण दीजिए। 50 साल से दिया जा रहा है, 70 साल से दिया जा रहा है। हमारे बीच ओम प्रकाश जी हैं जो प्रोफेसर हैं जिन्होंने इस विषय पे अध्ययन किया है, वो बताएंगे 70 साल से ये हो रहा है, इसके लिए आवश्यकता नहीं है। ये कानून सिर्फ मुसलमान और गैर मुसलमान में भेद करने के लिए है। मैं 5 बात गिना देता हूं इस कानून का भेदभाव। नंबर 1, ये कानून कहता है सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के आए लोगों पे लागू होगा। क्यों? नेपाल पे क्यों नहीं होगा? श्रीलंका पे क्यों नहीं होगा? म्यांमार पे क्यों नहीं होगा?
वो कहते हैं कि इन देशों में थियोक्रेसी है, तो भाई श्रीलंका में भी तो है, श्रीलंका में बुद्धिज्म के बारे में है। दूसरी बात कहते हैं केवल धार्मिक प्रताड़ना। धार्मिक प्रताड़ना क्यों? जो भाषाई प्रताड़ना है, क्षेत्रीय प्रताड़ना है, एथनिक प्रताड़ना है, उसके ऊपर लागू क्यों नहीं होगा? तिब्बत से जो लोग प्रताड़ित होके आ रहे हैं उन पे लागू क्यों नहीं होगा? श्रीलंका से जो तमिल आ रहे हैं उन पे लागू क्यों नहीं होगा? कोई उत्तर नहीं है। तीसरा, केवल धार्मिक अल्पसंख्यक पर, इन कम्युनिटीज़ पे। क्यों? जो उसके अंदर सेक्टेरियन तरीके से हो रहे हैं उन पर क्यों नहीं? पाकिस्तान से जो अहमदियाँ हैं, अफगानिस्तान से जो हज़ारा हैं, उन पर लागू क्यों नहीं होगा? चौथी बात कहते हैं दिसंबर 2014 तक लागू होगा। क्यों? अगर आपकी बात सही है तो आज क्यों नहीं लागू होना चाहिए? 2020 में क्यों नहीं लागू होना चाहिए? और पांचवी बात ये कहते हैं कि हम इसको इनर लाइन परमिट वाले एरिया पे लागू नहीं करेंगे। यानी कि बांग्लादेश से अगर कोई हिंदू परिवार आया, उसका एक भाई त्रिपुरा में सेटल हो गया, वो नागरिक हो जाएगा, दूसरा मिजोरम में चला गया, वो नागरिक नहीं बन सकता। क्यों? कोई कारण नहीं है। ये भेदभावपूर्ण कानून है। भेदभावपूर्ण इसलिए है, ये कानून भारत के संविधान में प्रदत्त जो अधिकार हैं, राइट टू इक्वालिटी, उसके विरुद्ध है। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना के विरुद्ध है। ये भारत के स्वप्न, भारत की आत्मा के विरुद्ध ये कानून है। उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य इसका हो सकता है असम का चुनाव जीतना, उद्देश्य इसका हो सकता है बंगाल का चुनाव जीतना, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसका उद्देश्य है इस देश के जो नागरिक हैं उनमें दो कैटेगरी बनाना, दो श्रेणी बनाना इसका उद्देश्य है। बहुत साधारण भाषा में कहूँ तो कुछ लोग जो इस देश के मकान मालिक हैं और बाकी लोग जो किराएदार हैं, वो करने की कोशिश है। बीजेपी कहती है हम किसी नागरिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हम तो बाहर से ला रहे हैं, ला भी नहीं रहे हैं। इसका उद्देश्य किसी को नागरिकता देना नहीं है, किसी की नागरिकता लेना नहीं है। इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को दो श्रेणी में बांटना है, मकान मालिक और किराएदार, और इसलिए इसका विरोध करना अनिवार्य है। जिस जिस के पुरखों की राख इस देश की मिट्टी में मिली है, जिस जिस के माँ बाप दादे की हड्डी इस देश की मिट्टी में दफन हुई है, वो सब मकान मालिक हैं, इस देश में कोई किराएदार नहीं है, ये कहने की आज अनिवार्यता है। मैं आपके बीच में और ख़ास तौर पे इतने बड़े विद्वानों के बीच में बैठ के कोई बहुत नई, कोई अनूठी बात कहने की क्षमता नहीं रखता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये घड़ी भारत के संविधान की आत्मा को बचाने की घड़ी है। जब भारत का विभाजन हुआ, इसी आधार पर विभाजन हुआ था, ये टू नेशन थ्योरी यही तो थी। जिन्ना जी कहते थे दो अलग धर्म हैं, दो अलग राष्ट्र तो बनेंगे ही बनेंगे। गांधी कहते थे, पटेल, आज़ाद, सब ने कहा नहीं, धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं बनेगा। और आज 70 साल के बाद वही जिन्ना के विचार को मोदी पिछले दरवाजे से देश में लेके आ रहे हैं, और इसलिए आज हमें खड़ा होना होगा। और आज इस देश में जो बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा है, वो आंदोलन सिर्फ CAA, NRC, NPR के विरोध में नहीं है। यह आंदोलन इस देश को जोड़ने का एक नया आंदोलन है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। बंगाल की तरफ सारा देश देखता है। जब इसको लक्ष्य, टारगेट बंगाल को किया गया है इस कानून में, और इसका प्रतिरोध, इसका विरोध भी बंगाल से शुरू होगा, ये बात पूरा देश इसकी तरफ देखता है। मैं आपसे आह्वान करता हूँ इस देश के तमाम उन लोगों की तरफ से जो इस देश के संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, उन सब की तरफ से मैं आह्वान करता हूँ कि हम सब मिलके इसका प्रतिरोध करें और इस NTCAA NRC आंदोलन को एक भारत जोड़ो आंदोलन में बदल दें।
मैं बार बार कहता हूँ, वो तोड़ेंगे, वो कौन? शाह और शहनशाह। वो तोड़ेंगे लेकिन हम जोड़ेंगे। इस स्पिरिट में, इस भावना से हम सब लोग इस देश को आज भाषा दिवस पर हम संकल्प लें कि हम इस भारत की विविधता की आत्मा की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे और हम सब मिलके लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद।